गोविंद नगर कच्ची बस्ती की जनता ने क्षेत्रीय जनसमस्याओं से परेशान होकर आगामी निकाय चुनावों में वोट न देने का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। जनता का कहना है, होली जैसा बड़ा पर्व सामने आ रहा, लेकिन महीनों से इस क्षेत्र में पड़ी गंदगी की सफाई नहीं कराई गई। ना तो पार्षद ने ही, ना विधायक ने ही जनता की सुन ली। यहाँ तक कि मंदिरों के चारों तरफ भीषण गंदगी का अंबार होने से पूजा स्थल तक जाना दूभर, लेकिन अधिकारी और नेता है कि सुनते नहीं। ऐसे में लोगों का प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही गया। उनका ये भी कहना है कि भीषण गंदगी के चलते यहाँ बच्चे बीमार हो चुके हैं। ये गोविंद नगर कच्ची बस्ती है, वार्ड 2 से है। यहाँ पे समस्या देखो सबसे ज्यादा नाला की है। यहाँ बस्ती में गंदगी बहुत है, नाली है, खरंजा है। यहाँ पे ना विधायक आते हैं, ना पार्षद आते हैं, यहाँ तक झाड़ू तक नहीं लगती हमारे दरवाजे, झाड़ू तक नहीं लगती है। कहीं बच्चे नाले में गिर जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। क्या विधायक के पास हम लोग की खबर नहीं जाती है क्या? कोई मानी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। अभी हम लोगों ने 100-100 रुपया दे के चंदा लगा के नाला सफा कराया। 4 बारी लड़का एप्लीकेशन लगा गया, नगर निगम से कोई नहीं आया। ये समस्या बहुत बड़ी है हमारे लोगों। अब कि कोई भी यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहे तो अपनी मजबूती करके आए। ये पम्मी पार्षद हैं, साइलेंट कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं होती, आपको दिखाया कभी नहीं होती है। ये कम से कम हो गया 1 साल से लटक रहे। मैंने एप्लीकेशन भी दी, वहाँ के लोग नहीं सुनते हैं। बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, कुछ तो मर गए हैं बीमारी से जूझ के, और जो बचे हैं वो भी मर जाएंगे। ये वार्ड नंबर 2 गोविंद नगर की कच्ची बस्ती है, और यहाँ पे गंदगी का इतना अंबार लगा हुआ है कि बीमारी इस तरीके से फैली हुई है कि एक एक घर में बच्चा से लेके बुजुर्ग तक बीमारी से लड़ के मर रहा है। और लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जा जा के एप्लीकेशन दे के पब्लिक थक चुकी है, लेकिन यहाँ झांकने कोई नहीं आता है। और जितनी बार समस्या लेके जाते हैं, सिर्फ हम लोग को आश्वासन दे के यहाँ टहला दिया जाता है, और वोट के समय यहाँ पे लोग आते हैं, आश्वासन दे के लोगों को बरगला के चले जाते हैं, और ये पब्लिक मर रही। हम लोग पूरी तरीके से यहाँ गंदगी से मर रहे हैं। कितने समय से गंदगी पड़ी हुई है? ये 10 साल से समस्या चल रही है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, और हर घर में यहाँ पे एक व्यक्ति परेशान है इस गंदगी। चुनाव आने वाले हैं, अवसर पाके यहाँ पे लोग सिर्फ आश्वासन देने आते हैं, काम के लिए कोई नहीं आता है। हम लोग के दुख दर्द को सुनने कोई नहीं आता यहाँ पे आते। मेरी समस्या ये है कि गली की गंदगी साफ नहीं कोई करने आता, गंदगी बहुत भरी हुई है, लेटिंगे बह रही है रोड से लेकर गली तक पूरी, आप देख सकते हैं। और इतना गंदगी है कि मैं खाना घर सामने खाना तक निकाल सकता है, मतलब बनने में इतना गंदगी महसूस होती है। ये समस्या 10 साल से मैं 4 बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, यहाँ से नगर निगम तक दौड़ा हूँ, कोई नहीं सुनवाई है। 900 रुपया लगा के मैंने नाली साफ करवाई थी, समझे? मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, किसी भी 85 को वोट इस गली का आदमी कोई नहीं देगा, इस गली का आगे पीछे तक कोई नहीं देगा। मैं यह चाहता हूँ मेरी सुनवाई हो। क्या सुनवाई चाहते हैं? मेरी सुनवाई है, सफाई हो, देखी जाए, मेरी इंक्वायरी की जाए यहाँ।